हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद तो यही रहती है कि आप अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहते हैं। मैं भी प्रार्थना करूँगा अच्छे ही रहें। अच्छा, एक वास्तविकता बताऊँ आपके लिए। मैं एक क्लिप डालूँगा इस वीडियो के बीच में। मैंने एक वीडियो परसों ही बनाई थी, छोटी सी, एंड ड्यूटी जाते टाइम सोचा तो उसको पूरा करूँगा उस ब्लॉग को। लेकिन यार वही हो रहा है ना, मतलब कि काफ़ी दिन से मेरे ब्लॉग्स व्लॉग्स नहीं आए, टाइम नहीं मिल पा रहा, जो भी है फ़ोन वोन की दिक्कत, उन कारणों से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। तो उसमें क्या हुआ ना, थोड़ा अब अजीब सा लगने लगा। अब मैं ब्लॉग डालने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा लग रहा है नई नई शुरुआत कर रहा हूँ दोबारा से। और अभी मैंने बनाया था ब्लॉग, आधा बना के वो वैसा वैसा ही छोड़ दिया, पूरा ही नहीं हुआ। वो लौट के आया, ये वो ध्यान नहीं रहा, मतलब ऐसा हो जा रहा है। अब पहले क्या था, डेली हाँ ध्यान में रखता, हाँ ब्लॉग बनना है भैया, है ना? तो मैं कहूँ बाकी ये देखो, ये गुस्से में पड़े हुए हैं, पता है क्या? परी ने खा लिया केक और चॉकलेट। अब जब परी ने केक और चॉकलेट खा लिया तो ये हैंक रहे हैं, बढ़ गए, मेरे को भी खाना है। अभी उनको नहीं मिला कुछ, परी सब खा गई चॉकलेट, अभी मुंह में दबा घूम रही है देखो। तो ये परी ने सब गा लिया, अब ये देख रहे हैं बड़े बड़े। गणेश, तो ला रहा है उसके लिए लेकिन चॉकलेट छीन ली अभी उसने इसकी, और ये रोने लगी, है ना? और अभी तो सब ठीक ही है, अभी देखो ये अब इसको मुंह में दबा घूमेगी, खाएगी भी इसको। खाएगी नहीं तो इसे, ये सब बेकार हो जाएगी। तो आज काम है अभी सबसे पहले तो यार हमारे गली में जो है, मतलब हमारी गली में क्या, हमारे रुद्रपुर में कहीं भी कूड़े वाली गाड़ी आई नहीं रही है। तो सबसे पहले तो इस कूड़े का इंतज़ाम करना पड़ेगा, कुछ कहीं इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, फेंक के आना पड़ेगा इसको। फिर दूसरी बात, फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले तो सो के उठे हैं, आज संडे है तो लेट सो के उठे थे। ये बदतमीज़ दे रही है, देखो गर्दन दबा दूँगा तेरी। फिर उसके बाद में नहाएंगे धोएंगे, मतलब बढ़िया करके, और तैयार वैयार होंगे। फिर उसके बाद में दुकान के लिए निकलेंगे। आज दुकान पे पता है क्या क्या बनना है? आज पनीर बनेगा, घी बनेगा, मतलब आज सब कुछ बनेगा, टाइम लगेगा बहुत। आज तो आज निकलेंगे दुकान के लिए। बाकी आज दोस्तों का ऑफर आ रहा था कि दे रहा है, उसको मार रहा है और चिखवा रहा है उसको, बोलते हैं ना वो बोतल पर कसने वाला होता है, वही है, बॉटल पर कसने वाला, हाँ ढक्कन। तो फिर अभी दोस्तों का फ़ोन भी आ रहा था, बोल रहे थे मतलब घूमने के लिए चल रहे हैं नैनीताल वगैरह, और लेकिन यार मैं नहीं गया आज दुकान पर, काफ़ी काम है, नैनीताल वगैरह जाएंगे तो काफ़ी काम ख़राब हो जाएगा। और अरे पहले, और फिर है फोन चाचू फाड़ दो। और यहाँ पे हमारे पास में एक मंदिर भी है, तो वहाँ जाने के लिए फोन आ रहा है, 10-15 किलोमीटर दूरी पे है, तो वहाँ वहाँ के लिए भी लोग कह रहे थे। लेकिन आप सच में आज दुकान पर काम होने के कारण, आज संडे है तो आप दुकान पर देखेंगे, तो आज दुकान पर चलेंगे, वहाँ काम सेट करवाएंगे यार। बाकी देखते हैं, चलते हैं, फिर मिलते हैं दुकान पर, ठीक है ना? अभी जल्दी से कूड़ा वूड़ा ही डाल के हो जाते हैं फ्री, फिर उसके बाद नहाते हैं धोते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? तो भैया डाल के आ तो भैया डाल के आ गए कूड़ा, और हम नहाएंगे। और गणेश ने परी की जगह खा ली, वो आज ही खा गया, पैसा खाएगा, झूठी नहीं खाऊंगा, लेकिन आज गायब कर गया। चलो ठीक है, तो जल्दी से नहा लेते हैं, फिर दुकान चलेंगे, तो मिलते हैं फिर, है ना? तो अब हम आ चुके हैं दुकान, और पनीर बनने की शुरुआत हो चुकी है, पनीर को बनाने के लिए रख दिया है। अब इसके बाद में घी बनना है, अभी हमें पनीर बनने में भी कम से कम 15-20 मिनट तभी और लग जाएंगे, इतना टाइम लग जाएगा अभी। और उसके बाद में फिर घी बनना है, फिर घी बनने का फिर घर चलेंगे, है ना? बाकी यहाँ का नज़ारा देखो, काफ़ी अच्छा नज़ारा आया वैसे, हमारे ये जहाँ पर दुकान है वो अच्छी जगह है काफ़ी यार, देखो। और बताए वहाँ ना, वो सामने वो दिख भी रहा होगा, हाँ वहाँ पर रामलीला का मतलब मैदान है, तो वहाँ पर जो है
रामलीला चल रही है अभी, तो अभी फिलहाल में रामलीला चल रही है ना, तो काफ़ी शाम के लिए मतलब रौनक हो जाती है यहाँ पर पूरे में लाइटें वाइटें चल जाती हैं और काफ़ी रौनक होती है वहाँ पर, मतलब काफ़ी भजन वगैरह चलते होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है यार। बता नहीं सकता, जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मतलब बता नहीं सकता हूँ मैं किस तरीके का माहौल होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा काफ़ी सुंदर माहौल होता है। 3:06 हो रहे हैं और हम अभी भी दुकान पर ही हैं, और अभी पता भी नहीं 1 घंटा या 2 घंटा भी और भी लग सकता है, क्योंकि सब पनीर वगैरह सब कुछ काम हो गया है। अब भैया घर के लिए गए हैं खाना खाने के लिए, अब जब भैया लौट के आएंगे वो कम से कम 2 घंटे में तो वापस आएंगे ही आएंगे, जब तक के लिए चलिए देखते हैं, जब तक आप इस क्लिप का आनंद लीजिए जो मैंने उस दिन छोटी सी बनाई थी, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसा बनाई मैंने फिर भी छोड़ दी, अभी तक इस क्लिप का आनंद लीजिए, और जब तक आप इस क्लिप को देखेंगे जब तक देखते हैं कोशिश करते हैं हम घर पहुँच जाएँ, है कि नहीं। चलो मिलते हैं फिर घर पे यार, अब तो अभी टाइम लगेगा अभी तो यार, अब यहाँ पर मैं बैठूँगा काफ़ी देर अभी, तो करते हैं इंतज़ार। और हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आज अगर तुम अच्छे होंगे तो काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, और इतने दिनों बाद आपसे जुड़ रहा हूँ तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ, काफ़ी टाइम भी हो गया था आपसे जुड़े हुए। दरअसल बात ये थी क्योंकि मेरा फ़ोन जो था ना ढंग से टूटा था और ले पाया नहीं था मैं उसको अभी तक। फ़ोन लिए हुए मुझे टाइम भी काफ़ी हो गया, 10-15 दिन 15-20 दिन हो गए मेरे को, लेकिन मैं फिर भी नहीं 10 दिन लगभग हो गए लिए हुए, लेकिन 10 दिन हो गए होंगे ना, 10 दिन हो गए, आज जो भी है टाइम तो वही है ना, लेकिन आप लोगों से मैं जुड़ नहीं पाया, थोड़ा समझ में ही नहीं आता यार इतने दिन बाद गैप दे दी। मैंने आपको वादा किया था पहली वीडियो में कि मैं आपको मतलब लगातार जुड़ कर रहूँगा और अब डेली ब्लॉग्स आएंगे, लेकिन मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहा था, तो थोड़ा समझ में नहीं आता कि किस तरीके से मतलब आप लोगों के सामने आऊँ और आप लोगों से बात करूँ, लेकिन मैंने सोचा यार सब काम भी नहीं चलेगा, आना तो पड़ेगा, तो फिर मैं अब आ गया। और चलिए देखते हैं, अभी के लिए चलते हैं ऑफिस, फिर कुछ नया होता है बताते हैं। आज तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूँ क्या बात नहीं करूँ यार, बस सच में मेरी समझ में नहीं आ रहा है आज। चलो ठीक है, मिलते हैं ना, चलते हैं ऑफिस, बात करते हैं। और ये थी एक छोटी सी झलक हमारी परसों वाली क्लिप की। तो आ चुके हैं हम घर और बच चुके हैं 6, और आज तो पूरा दिन दुकान पर ही निकला, तो आज तो कुछ संडे का कोई ऐसा लाभ मिल नहीं सका, और फिलहाल तुम चलो अब घर आ गए जो भी है, और ये बड़ा दिमाग ख़राब कर रहा है अभी, इसमें 2 लगने से बच गए, लग जाता है, और ये बदतमीज दे रहा है, ये देखो दिमाग खराब कर रहा है मेरा अभी, एक हाथ खाएगा दोबारा से लड्डू, ये देख दिमाग फिट जाएगा मान जा रहा था। और एक सबसे बड़ी बात और हो गई यार, पता है आरसी मेरा एक दिक्कत पता क्या हो गई है, जो उसकी नीचे क्लच वाली स्प्रिंग होती है ना वो टूट गई है यार। अब मैंने दुकानों पर दिखा ली, लेकिन BS6 की कोई भी स्प्रिंग डालने को तैयार नहीं करा, इंजन खोली है, मैंने कहा भाई कुछ नहीं, अब जाके मैं सर्विस कराऊंगा उसकी, कल परसों में दिखाऊंगा सर्विस में, तभी वो इसकी स्प्रिंग पड़ पाएगी, एजेंसी पे ले जा खड़ी कर दूंगा, वो अपने आप देख लेंगे जो भी डालना है कैसे भी डालना है वो डाल देंगे वो, ठीक है ना। और पॉलीफिक्स अपना मुंह तो चिपका मत लेना, कहीं ऐसा ना हो मुंह ही बंद हो जाए, फिर उससे छुटेगा भी नहीं, मैं छुटने वाली चीज नहीं, बैठ हो गया परमानेंट हिच वगैरह, मैं तो पैंट उतार के चला जाऊंगा, तो अपने मुंह की चिंता कर, अपने होठ छोड़ के तो नहीं जा सकता तू, कुछ कुछ बोलता है वो, ये बाल पे डाल दूंगा, बाल पे बाल छोड़ के थोड़ी भाग गया, बाल दोबारा जमाएंगे, मैं टेंशन क्यों ले रहा था, तो यही चिपक 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 के काट लोगे क्या बाल, है कि नहीं क्या है। और चाय बन गया तो जाओ आप, बढ़िया वाली खतरनाक कड़क कड़क वाली चाय, और पता है क्या पता है, मेरी लॉन्ड्री ने अपनी बंदूक चिपकाई है, मेरी बंदूक चिपका हुआ है, ज्योति देख लो ये क्या बंदूक है भाई, ये पिचकारी है यार, और ये इसको बंदूक बना बैठा है, ला चिपका मेरी बंदूक को,
अभी नहीं चिपकाऊंगा इसको, अभी चिपकाऊं बात को चिपकाऊं थोड़ी देर में, अरे थोड़ी देर में चिपकाऊंगा यार, नहीं अभी चिपकाऊं, अरे थोड़ी देर में चिपकाऊंगा यार, नहीं अभी कुशल की बंदूक टूट गई, बाद में चिपकाऊंगा यार, चिपकाओ अभी भाई, कुशल की तो गन टूट गई यार, मैं बाद में चिपकाता हूं ठीक है ना, नहीं अभी चिपकाऊं, हां थोड़ी देर में चिपकाऊंगा, उसको चिपकाने के तरीके होते हैं कई सारे, उन तरीकों को पहले मैं, ये बहुत खतरनाक है, इसको ऐसे नहीं छूना, ऐसे कर दूंगा पूरे बाल सीधे, हां ठीक है, और ढक्कन नैना और अब हमारा शिवांश तिवारी जरा इधर आओ यार, क्या है मेरे मोबाइल तो पहले है तुम्हारी, अब मैं एक बात यहाँ पर बताने वाला हूँ, मेरा मोबाइल उसको दो। फिर सब देखेंगे, सोचो स्कूल वाली बात वाली स्कूल की एक बात है इसकी और खास, मेरे को बताना नहीं बताना, वो वाली कौन सी वाली, क्या थी तुमको पता वो वाली नहीं, कैसी तुमको पता है वो वाली, कुछ ही वो वाली, तेरे को पता भाई, पा यहाँ से, मैं बताऊंगा, मैं बताने वाला हूँ वो बात, लेकिन मैं अकेले में बता दूँ ठीक है, तो चलते हैं अभी उठ के बताने के लिए, अभी तो और अभी एक इमरजेंसी काम ये पड़ चुका है कि अब मैं गेहूँ रख के आने पड़ेंगे चक्की पे, जिससे कि आटा बनेगा, और ये चिपकाने के लिए ये टूट गई इसकी पिचकारी, डांकों वाली बंदूक की पिचकारी, मतलब डांकों वाली बंदूक जो होती है ना वैसे इसकी पिचकारी है उसका, वो टूट गया, ये टूट गई है ना, तो इसमें अब जो ये पॉलीफिक्स है ये इसका जो है मैं ऊपर से सीज हो चुकी है बिल्कुल यार, तो उस कारण बस ये अब खुल नहीं रही है, तो इसमें कुछ छेद करने के लिए देखना पड़ेगा, अभी टाइम लगेगा, देखो ये गोल्ट बना के बैठे हुए हैं ये ढक्कन लोग यार, बाकी अभी चल रहे हैं ठीक है ना कराने के लिए, इसको रख के आते हैं पहले चक्की पे, फिर मिलते हैं और देखते हैं, आज यार मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो आरसी के बारे में आपको दिखा भी नहीं, मतलब दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी आरसी बाहर खड़ी हुई है, तो अब बाद में दिखा दूँगा ठीक है ना, बाकी चलते हैं अभी, जो भी है ऐसा भी है अच्छा ही है, तो आज की वीडियो हम यहीं रोकते हैं, और आज की वीडियो में कुछ अगर लगा होगी गड़बड़ तरीके से वीडियो बनी है, सही नहीं बनी है, जो भी है तो बताना यार ज़रूर, क्योंकि वीडियो जैसी बनी है वैसी ठीक है, और अब धीरे धीरे बढ़ जाएगी सही, तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।